ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन महाराष्ट्र सर्कल की ओर से मुंबई के आजाद मैदान पर एक दिन का उपासन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन महाराष्ट्र सर्कल गोवा सहित याचा सेक्रेटरी पीएच जयस्वाल, आम्ही सर्व ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक युनियनचे ऑल इंडिया लेवलवरील आमचं नेतृत्व श्री एस एस महादेवय्या नई दिल्ली हे करत आहे आणि CHQ आणि सेंट्रल हेडक्वार्टरच्या आदेशामुळं आमच्या विविध मागण्यांकरता आम्ही या ठिकाणी आज एक दिवसीय उपोषणाला बसलेलो आहे। यापूर्वी सेंट्रल हेडक्वार्टरच्या आदेशानुसार आम्ही 19 तारखेला प्रत्येक जिल्हा लेवलवर हे एका दिवसाचं उपोषणाचा कार्यक्रम केलेला आहे। त्यानंतर 22 तारखेला आज या ठिकाणी स्टेट लेवलवर पूर्ण भारतभर हा स्टेट लेवलवर स्टेटच्या मुख्यालय या ठिकाणी हा उपोषणाचा कार्यक्रम चालत आहे आणि यापुढे 20 फेब्रुवारीला नई दिल्ली डाक भवन या ठिकाणी पूर्ण भारतातले GDS त्या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहेत। मैं सुनील जगताप, महाराष्ट्र सर्कल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपको सब पता ही होगा कि हम जो हमारा डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफ इंडिया, आपको सब पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत राष्ट्र का भी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन जिस कर्मचारी के आधार पे हमारे जो गवर्नमेंट के शासक जो अपने प्रशासकीय अधिकारी जो है ऑफिसर से जो बताते हैं, गवर्नमेंट जो बोलती है कि हमारा सबसे बड़ा इंडिया का डिपार्टमेंट है, जहाँ कोई नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, वहाँ पर हमारा डाकिया काम करता है। लेकिन आज वो खुद जो डाकिया है जिसके ऊपर ये प्रशासन चल रहा है, डिपार्टमेंट चल रहा है, वही सबसे अलग है, एक अलग कैटेरिया में काम कर रहा है। वो बाबू का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, तीनों प्रकार की सेवाएं हर ग्रामीण भाग में देता है। लेकिन अभी आपको मालूम है NRGS के पेमेंट हो या कोई IPP जो आपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने सितंबर में 2018 में जो लॉन्चिंग किया, वो पूरा दारोमदार हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के ऊपर है। लेकिन वो किया, लेकिन उनका कोई शैक्षणिक स्तर, मतलब एजुकेशन स्तर या कोई उनकी जो अपना देश है, जो आदिवासी भाग है, ज़्यादा बर्फीला डोंगरीला जो प्रदेश है, उसका कोई विचार किया गया नहीं। खाली हाथ में उनके थमा दिया, ये लो और निकालो, लेकिन उसका मुआवजा नहीं, कुछ मुआवजा नहीं। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।